इसको अच्छी खासी पैकिंग डले बैठे। उसके बाद टिशू है, टिशू के बाद ये देख सकते हैं हम लोग, ये एकदम विधिवत इस पर टेप मारा गया है। ये पैकिंग अच्छा, ये स्कॉर्पियो वाला तो लगा है उसमें भैया, ये गियर सिस्टम भी है जो, तो स्कॉर्पियो का ही दिया है इसमें। तो नो ये बता दें, बहुत ही स्मूथ की गाड़ी है। जब देखिए 3 नंबर पे साथ, 4 नंबर पे करीब करीब 80 रफ्तार पकड़ ली, 5 उसके बाकी है, तो ये 40-60 रफ्तार आराम से गाड़ी पकड़ ली। भैया राव राव, स्वागत है आप लोग हम लोग इस नए ब्लॉग में। ब्लॉग क्या कह लीजिए, यहाँ पे हम लोग आए हैं महिंद्रा का SUV 300 का इनॉग्रेशन है, तो यहीं पे हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग हम लोग दिखाते हैं कि महिंद्रा SUV 300 को, और आप लोग को बताते हैं इसके बारे में, और बताते क्या है, यहाँ पे खुद ही कंपनी के लोग हैं, खुद ही आप लोग को बताएंगे कि क्या है। तो ये भैया देखिए, हम लोग आ चुके हैं महिंद्रा एजेंसी में, जो कि यहाँ पे गाजीपुर में है, जो कि यहाँ पे देखिए SUV 300 लगी हुई है, स्कॉर्पियो नई, जो कि स्कॉर्पियो की ये लगी हुई है, स्कॉर्पियो की SUV वाली, और इधर साइड है स्कॉर्पियो यन, और यहाँ पे भैया महिंद्रा की थार, और यहाँ पे 300 जो कि इसी की लॉन्चिंग है आज, जो कि इस वीडियो में हम लोग आप लोग को इसी की लॉन्चिंग दिखाएंगे यहाँ पे। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये महिंद्रा का यहाँ पे शोरूम है, जो कि आप लोग अंदर ले सकते दिखाते हैं। हाँ तो भैया देख सकते हैं, यही गाड़ी है 300। ये देखिए केक मिल चुका है हम लोग को, और यहाँ पे है अपनी गाड़ी SUV 300। ये देखिए ये रेड कलर में है, और ये गाड़ी देख सकते हैं आप, ये वाइट कलर में, जो कि यहाँ पे है। देखिए ये महिंद्रा की SUV की 300 गाड़ी, जो कि यहाँ पे आके चल ले चुकी है गाजीपुर एजेंसी में, जो कि यहाँ से आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका इनोग्रेशन स्टार्ट चुका है, केक कट चुका है, और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे चाचा ला के दे रहे हैं हम लोग को बधाई। धन्यवाद चाचा, धन्यवाद। और ये देखिए कस्टमर सर्विस के लिए यहाँ मिल चुकी है मिठाई हम लोग को आज हम। और उसके बाद इधर साइड ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, जो कि यहाँ के कंपनी के लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दो कलर में, दो सेगमेंट में यहाँ पे है, एक तो वाइट कलर आप देख सकते हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं एक रेड कलर में है। और भैया आप लोगों को बता रहे, तो बाहर की साइड जो इसका ब्लू कलर है महिंद्रा का, वो भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो कि अभी हम लोग टेस्ट ड्राइव उसका करेंगे, उसका वीडियो आप लोग को दिखाएंगे अभी। और आप लोग यही देख सकते हैं, यहीं पर सब लोग हैं, और यहाँ पर यहीं पर अभी केक कटा हुआ है, जो कि आप लोग को वीडियो में आगे दिखाते हैं। अच्छी खासी पैकिंग डले बैठे, उसके बाद टिशू है, टिशू के बाद ये देख सकते हैं आप लोग, ये एकदम विधिवत इस पर टेप मारा गया है, ये भी पैकिंग के लिए। भैया ये खुला, अच्छा खासा व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं, ये टूप रोटी है, नमकीन है, केचप है, समोसा है, और क्या है चना सब क्या है अच्छा लगे। तो भैया छेना है, और देखिए हम लोग देख रहे थे यही पे हम लोग मिल गया है, स्टार्ट करेंगे। भैया एक तो फायदा हुआ है, गार्डन में आए हुए भैया पानी आएगा लेना चाहें दूसरे रखना पानी एक और रख। हाँ तो भैया देखिए, यही है अपनी 300 गाड़ी, जो कि आप लोग ये देख सकते हैं। ये देखिए भाई, ये खुलने के बाद इसके अंदर हम लोग ले लिया एंट्री। ये देख सकते हैं आप लोग, ये MX2 वेरियंट है इसका, जो कि आप लोग देख सकते हैं, शायद MX3 वेरियंट है इसका, जो कि इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें दे रहा है इसका क्रूज कंट्रोल, और इसके हैंडल में ही दे चुका है ये अपना वैल्यूम कंट्रोल, और क्या कहते हैं मतलब बात उत करने वाला, फोन उठाने वाला। और ये देख सकते हैं इन्फोटेनमेंट इसका जो दिया गया है, यहाँ पर उनको लग रहा है 30 इंच का है जो इन्फोटेनमेंट, और ये देखने में बहुत ही मस्त है। ये देखिए AC का दिया हुआ, ये गियर सिस्टम का दिया हुआ था, और इसमें एक खास बात भाई, ये देखिए ये दिया है इसमें, ये हाथ उतर रखने के लिए हैंडल, जो कि काफ़ी कम गाड़ियों में मिलता है, और जो कि ये बहुत ही सुकून देता है। एक जगह आप देखिए, और ये देख सकते हैं आप लोग इसका आई का ये शीशा है, और डैशबोर्ड हालांकि ये पूरा प्लास्टिक का है, जो कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये सिंबल बना हुआ है एयरबैग का, जो कि देखने में बहुत ही मस्त है। और आप लोग देख सकते हैं ये पूरा प्लास्टिक डैशबोर्ड है इसका, इसका आगे रियर व्यू जो है, हालांकि इसका जो आगे का व्यू है, जो कि आगे का आगे ज़्यादा हद तक इसमें दिखाई दे रहा है। और इधर साइड आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे, और इधर साइड आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे,
इसमें भी एयर बैग का दिया हुआ है और यहाँ पे अपना कंट्रोल दिया हुआ है ड्राइवर सीट के पास ही, जो कि यहाँ पे आप लोग लॉक का ऑटो डाउन ऑटो ऑफ वाला, और उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं ये पीछे साइड है और यहाँ पे जो कि आप लोग स्पेस देख सकते हैं जो कि बकायदे बहुत साला मतलब बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे स्पेस है, जो कि यहाँ पे ड्राइविंग के बगल में जो कि यहाँ पे ड्राइविंग के आगे जो स्पेस देना चाहिए वो कंपनी मतलब अच्छी खासी दे रखी है इसमें। ये देखिए इसका ये बीच वाला स्पेस है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, दो लोग एकदम सुकून से बैठ सकते हैं। और इधर साइड आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर, इसमें भी वही डोर में ही दिया हुआ है इसका स्पीकर और यहाँ पे ये शीशा एडजस्टर और लॉक और खोलने वाला। और आप लोग ये देख सकते हैं इसका ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें क्या कहते हैं सीट बेल्ट भी दिया हुआ है। और आगे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे स्पेस ही अच्छी खासी स्पेस है, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये लगा हुआ वेरियंट है, इसमें वो नहीं लगा हुआ। और आप लोग का इसका डिग्गी हम लोग दिखाते हैं, देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक इसमें लगा हुआ है पूरा, हाइड्रोलिक के बाद इसमें स्पेस अच्छा खासा है जो कि आप लोग देख सकते हैं इसमें स्पेस। और उसके बाद इसकी सीट जो है 60x40 वाली सीट है, इसमें मतलब आगे वाली सीट जो है ये सीट पूरी तरह से टूट सकती है और टूट के आगे की तरफ मुड़ सकती है। तो ये रही भैया गाड़ी के बारे में। तो भैया देखा उन्हीं बताया टेस्ट ड्राइव बताइए, देख सकते हो कितना प्रीमियम लुक आउट है गाड़ी का। चलेगा ना भैया? हाँ यही मार्केट में। अरे ये खाली पावर ही कहाँ है, कितना मैनेज दी भैया? भैया महीना से ले लो गाड़ी तक तो भैया ये देखिए गाड़ी आ चुकी है हम लोग के हाथ में, जो कि एकदम पानी की तरह गाड़ी चल रही है, जो कि एकदम सिक्स गियर गाड़ी है ये। तो भी देखिए इसका ये प्रॉब्लम सेकेंड गियर और फोर्थ गियर वाला ज़्यादातर ये दिक्कत है इसमें। और उसके बाद ये देखिए सीट बेल्ट का अलार्म बजने लगा हम लोग का, देखिए आप लोग देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ है गाड़ी है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है पूरा एकदम डिस्प्ले, और जो कि इसमें आप लोग कह सकते हैं डुअल इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, जो कि इसमें आप लोग देख सकते हैं 37 हज़ार में 3 गियर पूरा एकदम टेम्परेचर प्रेशर सब गाड़ी का इसमें बता रहा है। और तो उसे बता दे भाई तो ब्रेकिंग वेकिंग का होता है तो बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है इसमें। और एयरबैग के मामले में तो 6 MAA है गाड़ी में, ऊपर से ये हल्का से सेटर लेने पे एकदम पूरी रफ्तार टॉर्क और पावर और बहुत ही मस्त उसका। कौन सा मॉडल है भैया ये वाली? AX5 वेरियंट जो कि ये है, जो कि आप लोग जो लोग चला रहे हैं AX5 वेरियंट ये है। और आप लोग इसको देख सकते हैं इसमें, और इसका सस्पेंशन ही भाई बहुत ही मस्त है इसका, सही ब्रेकर था, सस्पेंशन एकदम एक नंबर, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इसमें, जो कि आगे सीट पर भैया एकदम काफ़ी चले आ रहे हैं। चलाने में और ग्राउंड क्लियरेंस जो है भाई इसकी बहुत ही बढ़िया दी रखी है इन्होंने, और ऊपर से क्या कहते हैं आगे से पूरा एकदम बोनेट से आप लोग को हर एक चीज़ दिखाई देगा। तो जो कि फोर्थ गियर आप लोगों को बता दें तो ये स्टार्ट की रफ्तार तुरंत पकड़ ले रही है और ऊपर हल्का सा माइनर साइज देने को ये पूरी एकदम ये दिखी से सब रखी जिस समय एकदम एक नंबर दिया है। तो हम लोग यहीं से गाड़ी घुमाएंगे और रिवर्स में भैया कैमरा वाला देख रहे हैं हाँ। तो भैया रिवर्स में पूरा एकदम कैमरा वैमरा अच्छे से दे रखा है इसमें, क्योंकि आप लोग देख लीजिए क्लियरेंस बहुत ही अच्छी है, कैमरा क्वालिटी सही है। स्कॉर्पियो वाला तो लगा है हमें भैया, ये गियर सिस्टम भी है जो तो स्कॉर्पियो का ही दिया है इसमें।
गियर में भैया प्रॉब्लम आ सकती है हम लोग को लगाने में, क्योंकि बोलेरो ड्राइवर हैं हम लोग। है भैया हल्का फुल्का दिक्कत है गाड़ियों में भागने में। भाइयों बता दें तो बहुत ही स्मूथ गाड़ी है, जो कि देखिए 3 नंबर पे 60, 4 नंबर पे करीब करीब 80 की रफ्तार पकड़ ली, 5 उसके बाकी है, मतलब कि 140-160 की रफ्तार आराम से गाड़ी पकड़ लेगी। हाँ भैया 160 आराम से ले, जो कि भाइयों बता दें गाड़ी भैया लेके जहाँ पे करती है। सस्पेंशन जो दिया हुआ भाइयों इसका बहुत ही अच्छा है, मतलब 1 नंबर सस्पेंशन दिया रखा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग की टर्निंग है, एसी के लिए हम लोग जा रहे हैं भाइयों। तो जितने भी लोग गाजीपुर से वीडियो देख रहे हैं उसको परचेज करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। लोकेशन क्या है भैया? है महाराजगंज, महाराजगंज महेंद्रा, यही एक भी है वो भी राज महेंद्रा भी है। साइड से बनी गई है, हाइट और उसके बनने से कम नहीं है, अच्छी है। तो महिंद्रा ने गाड़ी भाई ये बहुत ही प्रीमियम निकाली है, 1 नंबर गाड़ी है, 1.5 का इसका। भैया देख लीजिए ये सिक्की जो की वही पुराने वाले सिस्टम से दे रखा है, जो कि सुबह से महिंद्रा देते आ रखा है, मतलब ये लॉक करने के लिए, डिग्गी खोलने के लिए लॉक करने के लिए, जो कि इसमें डिग्गी है नहीं। तो बोलेरो वोलेरो में भी ऐसी की जो कि महिंद्रा देता है, जो कि बहुत ही मस्त है। और ये देख सकते हैं इसका पूरा ये सिस्टम। हाँ तो भैया महिंद्रा XUV 300 के लिए बस इतना ही, और आगे हम लोग हो सके गाड़ी लेंगे तो उसका डिलीवरी का वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। तब तक के लिए इतना, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में।